Assalamu alaikum, my dear student. Hi everyone. Yesterday we have to discuss on generation of computer. Now we start types of computer. तो हमने जो है वो generations पढ़ी थी, कौन सा computer किस साल में आया. Means ये अब generation जो है ये count होती है electrical, जब computer electrical पे चलने शुरू हो गया, चलना start हो गया था, तब उसके बाद generation जो है ये start हुई. ठीक है, तो आज जो है हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे. तो अच्छा, तो इसकी जरा हम स्पीड और स्लो कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. अच्छा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ टाइप्स हैं. मींस के कुछ कंप्यूटर जो है वो स्पेसिफाइज हैं कि उन्होंने जो है एक तरह का काम करना है. ठीक है, वो कौन से कंप्यूटर हैं. ठीक है, पहला है माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर ए पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन टू मीट कंप्यूटर नीड एंड नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल. ये हर किसी के पास मतलब जो है इंडिविजुअल होता है. जैसे हमारे पास है एक, ठीक है, जो आजकल हमारे पास कंप्यूटर चल रहा है, इंडिविजुअल कंप्यूटर जिसको कहते हैं हम, इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं. ठीक है, जिसका जिसको हम पीसी कह सकते हैं. ठीक है, पीसी. अच्छा, प्रोवाइड क्या काम करता है, प्रोवाइड्स एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ कंप्यूटिंग एप्लीकेशन. आपको ये क्या प्रोवाइड करता है कि कंप्यूटिंग के लिए मींस के कुछ सॉल्व करने के लिए, काम करने के लिए डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन. ठीक है, सच एज वर्ड प्रोसेसिंग. वर्ड प्रोसेसिंग, ये वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, आजकल आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग की जो किस्म है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. वर्ड प्रोसेसिंग की काफ़ी सारी ऐप होती हैं, लेकिन आजकल हमारे पास जो पॉपुलर है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. उसमें वर्ड प्रोसेसिंग है, एक्सेल और पावर पॉइंट, इस तरह की चीज़ें. फोटो एडिटिंग, आप अपने घर के कंप्यूटर पे बैठ के कोई भी ऐप डाउनलोड करके फोटो एडिट कर सकते हो ना, ईमेल एंड इंटरनेट, ईमेल वगैरह कर सकते हो, रब्ता कर सकते हो और उस पर इंटरनेट यूज कर सकते हो. ठीक है, ये है माइक्रो कंप्यूटर. मींस के जो के इसको पीसी भी कहा जाता है, इंडिविजुअल कंप्यूटर, मतलब हर बंदा इसको अपना पर्सनल कंप्यूटर भी रख सकता है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद है डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर. ये दोनों मिलते जुलते हैं. ठीक है, यहाँ अलग कर दिए गए हैं, वैसे ये दोनों एक ही किस्म है. ठीक है, ये अपना माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर. अब फर्क ये है कि इसका जो सीपीयू है वो इस तरह का है, ये देखें इस तरह का है, और इसका इस तरह का. बाकी अंदर इक्विपमेंट वगैरह सब चीजें सेम है. देखिएगा, ये ए माइक्रो कंप्यूटर दैट फिट ऑन द डेस्क एंड रन ऑन पावर from an electrical wall outlet. सारे कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल से चलते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या बिजली से. ठीक है, द सी पी यू कैन बी हाउस्ड इन आइदर ए वर्टिकल और हॉरिजेंटल केस. देखा ना, मैंने आपको कहा था ना, सी पी यू में भी ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल केस में हो सकता है. ठीक है, a separate component, keyboard, mouse etc. that are each plugged into the computer. ठीक है, ये कहता है कि हर इसके जो इक्विपमेंट है वो सेपरेट है. सेपरेट तो इसके भी हैं, देखें. ठीक है, कहता है कि इसके हर कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हैं. वो क्या है कि हर एक कंपोनेंट जो है वो उसके साथ प्लग है. प्लग मींस के अटैच है. देखें, ये जैसे स्पीकर है, ठीक है, ये इस सीपीयू से अटैच है, मॉनिटर है वो भी अटैच है, फिर बिजली से अटैच है, ये सब चीज़ें. ये है माइक्रो कंप्यूटर. ठीक है, अच्छा, ये दोनों एक ही चीजें हैं. ठीक है, बस इनका जो है सीपीयू में थोड़ा सा जो है ना फर्क है. ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर. अच्छा, ये पोर्टेबल कंप्यूटर होता है. मींस आप इसको कहीं भी उठा के, कहीं भी ले जाके इसको रख सकते हैं. ठीक है, और उसके पास अपनी बैटरी, अगर आप इसको बिजली से मतलब एक तार बिजली में लगी हुई है उसको अलहदा भी कर देते हैं तो ये फिर भी चलता है. जैसा कि आप देखते हैं लैपटॉप आजकल ज्यादा पॉपुलर हमारे पास लैपटॉप ही है. ठीक है, ए पोर्टेबल कम्पैक्ट
कंप्यूटर दैट कैन रन ऑन एन इलेक्ट्रिकल वॉल आउटलेट ऑन अ बैटरी यूनिट। कहता है कि ये आपका हर जगह जहाँ भी रखो इलेक्ट्रिकल उस पर हर तरह से यूज होता है, और उसके साथ एक बैटरी यूनिट भी है जो कि विदाउट, अगर मैंने आपको बताया ना कि अगर आप इसको बिजली से अलग भी कर दें तो इसके पास अपनी एक बैटरी है जो कि उसको चलाती है। अच्छा, ऑल कंपोनेंट्स कीबोर्ड माउस ईटीसी जो भी इसकी कंपोनेंट्स है आर इन वन कॉम्पैक्ट यूनिट। देखें ना, इसका कोई अलहदा से यूनिट नहीं होता। कीबोर्ड भी देखें लैपटॉप का सामने ही होता है, माउस भी उसी पे एक पैड बना होता है माउस का, ठीक है। ये सब चीजें जो है ये इसी के साथ मर्ज होती हैं। यूजुअली मोर एक्सपेंसिव देन कंपेरेबल डेस्कटॉप, कहता है कि थोड़ा सा महंगा होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर से, जो हमारे पास जो पिछले कंप्यूटर थे ना डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो उनसे थोड़ा सा महंगा है, वाकई उनसे थोड़ा महंगा होता है। तो ठीक है, क्या लिखा है, समटाइम कॉल्स अ नोटबुक, समटाइम कॉल्ड नोटबुक भी कहते हैं। अच्छा, नोटबुक जो है ना वो दूसरा होता है, ठीक है, मतलब कि वो लैपटॉप, लैप होते तो सारे लैपटॉप हैं लेकिन नोटबुक का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। यूं कह लो कि 15 और 14 इंच की उसकी स्क्रीन होती है, और वो थोड़ा सा ना स्मार्ट होता है, यूं कह लो पतला सा होता है, स्मॉल मतलब बारीक सा होता है, ठीक है, स्मार्ट सा, तो उसको हम जो है नोटबुक कहते हैं। मतलब इन्हीं लैपटॉप में आपने देखा होगा, अगर लैपटॉप की वैरायटी देखें तो इनमें जो है ना काफ़ी सारे आते हैं, इनमें नोटबुक भी होती है, कोई इलाइट बुक होते हैं, वो नोटबुक से थोड़े से बड़े होते हैं इलाइट बुक, ठीक है। ये इनके साइजेस के जो है ना कंपनियों ने, मुख्तलिफ कंपनियों ने जो है ना नाम दिए हुए, ठीक है। वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन, अच्छा, वर्क स्टेशन पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर डिजाइन फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क। ये एक कहता है कि पावरफुल कंप्यूटर होता है, ये स्पेशल होता है, स्पेशलाइज किया जाता है किसी ना किसी एक टास्क के लिए। कैन टैकल टास्क दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी जो है ना हर टास्क के लिए जो है ना स्पीड बहुत हाई होती है। देखते हैं ना हमारे कंप्यूटर हैं तो उनकी स्पीड डिपेंड करती है रैम पे, तो इसके साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन ही इस तरह से की गई होती है कि इसकी इसमें रैम भी है काफ़ी हाई होती है और इसकी मेमोरी भी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। कैन आल्सो बी एन ऑर्डिनरी पर्सनल कंप्यूटर, ये भी पर्सनल कंप्यूटर भी यूज है, अटैच टू अ लैन, लैन कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को। लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स अगर इस कॉलेज में मैं कनेक्ट होता हूँ एडमिन से, मतलब कि अपने ऑफिस से बैठ के एडमिन में कनेक्ट होता हूँ, ये लोकल एरिया एक ही विद इन बिल्डिंग में जो कनेक्ट हो उसको लोकल एरिया नेट कहते हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग में जो लोग आपस में कनेक्ट हो किसी डेटा शेयरिंग के लिए, किसी कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए, वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये आगे चल के आएगा लैन वैन लैन, ये सब इसकी किस्में। अच्छा, इसके बाद है सुपर कंप्यूटर, ये थोड़ा अगली वीडियो में कर लेते हैं।